सीएम योगी ने टीम 11 के साथ अहम बैठक की। बैठक में सीएम ने कुछ उद्योग को मिलने वाली सशर्त छूट के संबंध में निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए छूट दी जाए ताकि लॉकडाउन का उद्देश्य प्रभावित ना हो। मुख्यमंत्री ने दूसरे प्रदेशों से आए करीब 5 लाख प्रवासी मजदूरों की चिंता जताते हुए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशी जाएं। मजदूरों के रोजगार के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 4 सदस्य कमेटी बनाने के निर्देश दिए। ये कमेटी ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पर अपनी सिफारिश देगी। सीएम योगी ने आदेश दिए कि हर जिले में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बाल विकास पुष्टाहार की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पुष्टाहार हर जिले में पहुंच चुका है। उन्हें लाभार्थियों तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। फिरोजाबाद के दुर्गानगर मोहल्ले में 2 युवकों को घरों के बाहर थूकते हुए लोगों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरठ की शकूर बस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाती तस्वीर नजर आ रही है। सभी दुकानें खुली हैं, लोगों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है, लोग आराम से खरीदारी भी कर रहे हैं। मेरठ में एबीबी गंगा की खबर का बड़ा असर। दाल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों पर अधिकारियों ने लिया संज्ञान। खुद एसओ पूरी टीम के साथ दाल मंडी पहुंचे और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। पीलीभीत में एक मरीज को कोरोना वायरस के चलते 108 एम्बुलेंस ने लादे से मना कर दिया। गरीब परिवार ठेले पर मरीज को लेकर जिला अस्पताल 5 किलोमीटर दूर चलकर पहुंचा। रामपुर में सैनिटाइजर का छिड़काव करने पर युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना भोट थाना इलाके के पेमपुर गांव की है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद देहात के विधायक हाजी इकराम कुरैशी हमलावरों के समर्थन में उतर आए। थाने छुड़ाने पहुंचे सपा विधायक का वीडियो वायरल हो गया है। सपा विधायक ने कहा, मना करने के बाद भी यहां आया हूं। आप लोगों की वजह से पूरे देश के मुसलमान शर्मिंदा हैं और अहमद बुखारी साहब फोन करके कह रहे हैं बाबरी साहब से कि इन लोगों की मदद मत करना। बहुत तकलीफ है, ये तकलीफ की बात है, हमें भी दुख हो रहा है। हम आपको छुड़ाने जरूर चले आए लेकिन अंदर से हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही। बुरा क्या आपने, बहुत बुरा क्या, बड़ा खराब मैसेज है। अच्छा, बीमारी जो भी देती है हिंदू मुसलमान बीमारी है, बीमारी में आप लोग अगर ऐसा करोगे तो उसका नुकसान होगा। भाई बीमारी देती है हिंदू मुसलमान बीमारी। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण से पहली मौत हुई। शीश ग्रान के बड़े मस्जिद के इमाम ने रविवार को दम तोड़ दिया। शनिवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रविवार सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1000 से अधिक हो गई। अब तक 1017 लोग वायरस से अपनी जान गंवा बैठे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावित आगरा जिला है। आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमण के 45 नए मामले सामने आने के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 240 पार कर गई। ताज नगरी में मिले नए मरीज कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे। वहीं आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 45 लोगों में से पारस अस्पताल के 21 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 3 हेल्थ केयर वर्कर्स भी कोरोना संक्रमित पाए गए। कानपुर जिले में कोरोना के नए 14 मामले सामने आए। सभी तबलीगी जमात से जुड़े लोग बताए जा रहे हैं। इनमें से हॉट स्पॉट कुली बाजार के हैं, बाकी 7 हॉट स्पॉट के रहने वाले हैं। 14 में से 5 मदरसा के छात्र हैं और बिहार के रहने वाले हैं। इसी के साथ यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में सहारनपुर ने मेरठ को पछाड़ दिया। एक साथ 17 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 80 पहुंच गया। यूपी में चौथा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिला सहारनपुर बन गया है। रामपुर में 8 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। इससे पहले रामपुर में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी लोगों के जांच परीक्षण में लगी है।
पश्चिमी यूपी में कोरोना ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। 153 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेरठ में पिछले 3 दिनों में कोरोना से दूसरी मौत हुई। मरीज वेंटिलेटर पर था, उसे काफी वक्त से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 74 हो गया है। वाराणसी में एक और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। पितरकुंडा के रहने वाले 75 साल के बुजुर्ग में संक्रमण मिला है। नया मामला मिलने के साथ ही वाराणसी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 हो गई। शहर के मध्य में स्थित सिगरा थाना क्षेत्र का पितरकुंडा नया हॉटस्पॉट है। बदायूं जिले में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। शनिवार रात अलीगढ़ से आई रिपोर्ट में जालसंधी सराय की एक महिला और उसकी बेटी के अलावा शेल्टर होम में क्वारंटीन एक नेपाली शख्स में कोरोना संक्रमण बताया गया। इस तरह से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 7 हो गई। पॉजिटिव मरीजों को बरेली रेफर किया गया है। कन्नौज जिले में कोरोना पॉजिटिव के 6 मामले सामने आए हैं। सीएमओ ने बताया कि 6 मरीज समधन इलाके में हैं। मरीज के परिजनों सहित उसके संपर्क में आए लोगों का सैंपल लिया जाएगा। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। जिले में अब तक 3 इलाकों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। बरेली जोन के एडीजी ने बताया कि मरकज निजामुद्दीन से आए काफी लोगों की वजह से बरेली जोन में बड़े कोरोना के मरीज। अब तक 17 लोग गिरफ्तार। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से लोगों की शिनाख्त की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके में कोरोना संदिग्ध एक युवक के मिलने से हड़कंप मच गया। युवक में कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम को फौरन ही इसकी सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि युवक राशिद नगर का रहने वाला है और लोगों को खाना वितरण कर रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया, जहां युवक की जांच कराई जा रही है। राजस्थान के कोटा से यूपी में छात्रों को लाने का सिलसिला जारी है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में छात्र छात्राओं के रुकने की व्यवस्था की गई, साथ ही सभी की स्क्रीनिंग भी की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें मकान मालिक ने जबरन घर से निकाल दिया। पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों की शिकायत पर सीएम ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। बहराइच में 2 जमाती महिला अस्पताल की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ये लोग पकड़े गए। सभी जमाती मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले ही उन्हें एक गाँव से पकड़ा गया था। राजधानी लखनऊ में 7 नए हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। लखनऊ में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 21 हो गई। इसमें से कैंट का तोपखाना, रामदास का हाता, घोसियाना मड़ियागांव में नया पूर्वा का इलाका, गाजीपुर में पीर बाग मस्जिद के आसपास का इलाका हॉटस्पॉट किया गया। सीसीटीवी के जरिए सभी 21 हॉटस्पॉट पर नजर रखी जा रही है। कानपुर में कोटा से छात्रों और छात्राओं को लेकर 2 बस चाटबिल बस अड्डे पर पहुंची। यहां मेडिकल टीमों ने पूरी बस और छात्रों को सैनिटाइज किया। बस अड्डे पर आने वाले हर छात्र का डॉक्टरों की टीम मेडिकल चेकअप कर रही है। सभी छात्रों को मोहर लगाई जा रही है, जिससे वो 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखे जाएंगे। छात्रों ने कानपुर पहुंचते ही सरकार का आभार जताया। कोटा में फंसे औरैया के छात्रों को यूपी रोडवेज की बसों से औरैया लाया गया, जहां पर आनंदराम टोल पर बसों के पहुंचते ही दर्जनों छात्र छात्राओं का हेल्थ चेकअप करते हुए सभी को क्वारंटीन कर दिया गया। सभी छात्र राजस्थान के कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे 7 छात्र अलीगढ़ पहुंचे। इन छात्रों के आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनकी स्क्रीनिंग की। इसके बाद छात्रों को बैंक्वेट हॉल में ले जाकर क्वारंटीन किया गया। राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे छात्र सकुशल जौनपुर अपने घर पहुंच गए। जिला प्रशासन ने उनके खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम किया, साथ ही सभी छात्रों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया। छात्रों को उमानाथ स्कूल में रखा गया है। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को दर्जनों बसों से प्रयागराज लाया गया। बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। सभी छात्र छात्राओं को शहर के अलग अलग गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है। छात्रों के प्रयागराज पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। जालौन के उरई में कोटा से पहुंचे छात्रों को क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटीन से पहले सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 35 छात्रों को 14 दिन के लिए अलग अलग होटलों में रखा गया है। जिलाधिकारी जालौन ने सभी छात्र छात्राओं का हालचाल भी लिया। चोरी छिपे लोगों का दूसरे राज्यों से यूपी में पहुंचने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र से 20 लोग एक लोडिंग टेम्पो में छिपकर बलरामपुर गोंडा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पकड़े गए। बॉर्डर पर पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर रजिस्ट्रेशन की एक लोडिंग टेम्पो को चेकिंग के दौरान पकड़ा।
कानपुर में बीते 24 घंटे में 16 नए मरीज सामने आए, तो वहीं दूसरी ओर 6 और कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। शहर में 45 कोरोना केस में से 37 एक्टिव हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते प्रदेश में टॉप 10 में जगह बना चुके बस्ती में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 लोगों की तीसरी जांच भी निगेटिव आई। उसके बाद इन सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डिस्चार्ज के दौरान सीडीओ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया। वाराणसी के मैदागिन क्षेत्र में पुलिस ने राशन लेने के लिए खड़े लोगों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल प्रशासन ने 250 लोगों के लिए राशन वितरण की व्यवस्था की थी, लेकिन इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस ने लाठी चलाकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे ग्रामीणों को हटाया। पीलीभीत पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। शहर में काले लिबास में राक्षस जैसी शक्ल बनाए सिपाही कोरोना वायरस का नोटिस चस्पा कर लोगों को डरा रहा है। गांव-गांव में जाकर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने की बात कह रहा है। जौनपुर जिले के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ ने एक युवक को मौत के मुंह से निकाल लिया। कोरोना वायरस की परवाह किए बिना डॉक्टर ने मरीज का इलाज कर उसे पूरी तरह स्वस्थ किया। इतना ही नहीं, मरीज के पिता से इलाज के पैसे के एवज में आशीर्वाद मांगा। मुरादाबाद में लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर गुलाब के फूल बरसाए। दो परिवारों को एम्बुलेंस में बैठाकर क्वारंटाइन सेंटर के लिए खुशी खुशी रवाना किया। करीब 10 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम क्वारंटाइन करने के लिए अपने साथ ले गई। अमरोहा में मुस्लिम समाज ने भाईचारे और एकता का संदेश दिया। रूट मार्च के दौरान मुस्लिम महिलाओं और धर्मगुरुओं ने पुलिस वालों पर गुलाब के फूल बरसाकर स्वागत किया और पुलिस के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने इस संक्रमण काल में अपने काम पर मुस्तैदी से जुटे सफाई कर्मियों की आरती उतारी और उन पर फूल बरसाए। इतना ही नहीं, मेयर ने इन सफाई कर्मियों को हैंड सैनिटाइजर और गमछा भी बांटा। गाजियाबाद एसएसपी का आदेश, दो पहिया वाहन पर एक से अधिक सवारी होने पर कटेगा चालान। चार पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी होने पर होगा चालान। नॉन कॉन्टैक्ट चालान किए जाएंगे। आवश्यक सेवा और आपात स्थिति में मिलेगी राहत। बाराबंकी के ग्रामीणों ने कोटेदार पर गरीबों का हक मारने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कोटेदार उनकी यूनिट काटकर उनसे अंगूठा लगवा रहा है और खाद्य सामग्री में मिलने वाले चावल में कटौती कर रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने लाभार्थियों को जांच के बाद राशन देने का आश्वासन दिया। बाराबंकी में टमाटर की अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी किसान परेशान हैं, क्योंकि ये टमाटर बाराबंकी से दूसरे जनपदों या राज्यों में नहीं पहुंच पा रहे। इससे दौलतपुर गांव के किसानों की मेहनत भी नहीं निकल पा रही। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से गहराता नजर आ रहा है। शनिवार को हरिद्वार में कोरोना संक्रमित एक जमाती की पत्नी समेत दो पॉजिटिव मामले सामने आए। दूसरा मरीज पेशे से मजदूर है। इन्हें मिलाकर गुजरे 24 घंटे के अंतराल में राज्य में 5 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 42 पहुंच गई है। मसूरी में प्रशासन की टीम ने 7 लोगों को होम क्वारंटाइन किया, जिसमें से एक महिला और 6 पुरुष शामिल हैं। 7 लोगों में से 3 लोग लंढौर क्षेत्र से अपने परिजन के अंतिम संस्कार कर मसूरी लौटे थे, जबकि 2 लोग दिल्ली एम्स से इलाज कराकर मसूरी पहुंचे। ऋषिकेश से मिले 4 विदेशी नागरिकों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। ये लोग 24 मार्च से ऋषिकेश नीलकंठ मार्ग पर गुफा में रह रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्ष्मण झूला के पास कुछ लोग विदेशी नागरिक गुफा में रह रहे हैं। उत्तराखंड की मित्र पुलिस का चेहरा टिहरी जिले में देखने को मिल रहा है। जिले के केंद्र बिंदु और चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में पुलिस ने जहां गीत के माध्यम से लोगों को कोरोना के लिए जागरूक किया, तो वहीं चंबा पुलिस ने जरूरतमंदों को गांव-गांव और घर घर जाकर राशन भी बांटा। पौड़ी में एबीपी गंगा की खबर का असर, मजदूरों को राशन न मिलने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सभी मजदूरों और जरूरतमंदों को राशन मुहैया करवाया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि इससे बाजारों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। बड़कोट में कोरोना वॉरियर्स मजदूर और गरीबों के लिए जीने का सहारा बन रहे हैं। नौगांव में जिन मजदूरों के पास राशन खत्म हो गया, उन्हें पुलिस की तरफ से राशन किट देकर जीने की उम्मीद दी जा रही है। रामनगर में एबीपी गंगा की मुहिम रंग लाई। अब आम और लीची की फसल में दवा और पानी डाल पाएंगे लोग। प्रशासन ने मेडिकल जांच के बाद दूसरे प्रदेश के ठेकेदारों को भी काम के लिए आने की बात कही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाली आरोपी लड़की का नाम आरती बताया जा रहा है। प्रियंका ने किसानों के मुद्दे पर सीएम को पत्र लिखा था, उसी ट्वीट के जवाब में आरती ने धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज की कांग्रेस कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाया। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, महामारी में गरीबों की सेवा ही सच्चा मानव धर्म है। ऐसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुझे गर्व है। 72 साल की चमन अपने हाथों से मास्क बनाकर जरूरतमंदों में बांट रही हैं। मजदूरों के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना। ट्वीट कर कहा, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने में क्यों भाजपा देरी कर रही है। गरीबों कामगारों के साथ भाजपा नहीं है। जनता के आक्रोश के डर से भाजपा कार्यकर्ता मुंह छिपाए बैठे हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें वापस बुलाने का बिहार सरकार का कोई इरादा नहीं है। अगर कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू की जाए तो देश में लॉकडाउन का मजाक बन जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से अपील की। ट्वीट कर कहा कि अफवाहों की धाराओं में ना बहें, स्थानीय प्रशासन का लोग सहयोग करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि हालात को देखते हुए लॉकडाउन आवश्यक है, इसलिए हॉटस्पॉट इलाकों में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें तब की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 186 लोगों में कोरोना के लक्षण का पता नहीं चला। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई। अब तक 15,712 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में 12,974 मामले सक्रिय हैं, जबकि 2,230 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना देश में अब तक 507 लोग की जान ले चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,334 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 27 लोग की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में इसी दौरान कोरोना से 11 लोग की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 211 लोग की जान जा चुकी है। यहां कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़कर 3,648 हो चुके हैं, जिनमें से 2,268 मामले सिर्फ मुंबई के ही हैं। दिल्ली में शनिवार को 186 नए मामले सामने आए, वहीं एक संक्रमित की मौत भी हो गई। कोरोना से 134 लोगों ने जीत हासिल की। इसी के साथ दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 1,893 हो गई, जिनमें से 207 ऐसे मरीज भी हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक दिल्ली में 43 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 76 हो गई। 8 नए कंटेनमेंट जोन जोड़े गए। दिल्ली के जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। साथ ही लगातार वहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे जूनी इंदौर के थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत हो गई। उन्होंने रविवार रात 3 बजे दम तोड़ दिया। 45 साल के देवेंद्र 10 दिनों से अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। दुनिया भर में 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,60,757 लोग की मौत हो चुकी है। अब तक 193 देशों में कोविड-19 के 23,30,964 मामले सामने आए हैं। दुनिया में अब तक कम से कम 5,96,687 लोग ठीक हो चुके हैं। यूरोप में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। यूरोप में इस संक्रमण से 1,00,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। कोरोना से मौत के आंकड़े को देखा जाए तो अकेले यूरोप में इस बीमारी से 2/3 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस के मामले ईरान से भी ज्यादा हो गए। तुर्की में अब तक कोरोना वायरस के कुल 82,329 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही मध्य पूर्व में तुर्की कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ऊपर आ गया। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को कहा कि पड़ोसी ईरान से भी कोरोना वायरस के संक्रमण के ज्यादा मामले तुर्की में हो गए। स्पेन में कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। 1,90,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए स्पेन ने कोरोना लॉकडाउन को 9 मई तक के लिए बढ़ा दिया। इटली में 1,75,000 से ज्यादा लोग कोरोना महामारी की चपेट में हैं। यहां 23,000 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। इटली में कोविड-19 से 23,227 लोग की मौत हो चुकी है और संक्रमण के 1,75,925 मामले सामने आ चुके हैं।
फ्रांस में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 642 और लोगों की मौत हुई, लेकिन अस्पतालों में इंटेंसिव केयर में मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। अस्पतालों में 324 और नर्सिंग होम में 278 लोगों की मौत हुई। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 19,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने कोविड-19 को लेकर चीन के रहस्यमय अंदाज, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों की पारदर्शिता में कमी और शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ असहयोग के रवैये पर निराशा जताई। अमेरिका में महामारी सबसे तेज रफ्तार से फैल रही है, जो इस महामारी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 1,891 लोगों की मौत हुई। यहां संक्रमण के अब तक 7,38,830 मामले सामने आए हैं, जबकि 39,014 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम 68,285 लोग ठीक हो चुके हैं। एयर इंडिया ने 4 मई से शुरू की घरेलू उड़ानों की बुकिंग। 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय रूटों के लिए मिलेंगे टिकट, सिर्फ चुनिंदा रूटों पर ही उड़ान। निजी विमान सेवा कंपनियों ने पहले से ही 4 मई से बुकिंग शुरू कर दी थी। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक का 2019 से 2020 की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 15.4% बढ़कर 7,280,00,000 रुपए पर पहुंच गया। शेयर बाजार को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत कुल आय बढ़कर 38,287,00,000 रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पहले पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 33,260,00,000 रुपए थी। रियलमी ने अपकमिंग यूथ सेंट्रिक नार्जो सीरीज की लॉन्चिंग के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब नार्जो 10 और नार्जो 10A स्मार्टफोन को नार्जो 10 और नार्जो 10A स्मार्टफोन को 21 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहले इन दोनों फोन्स को मार्च में लॉन्च करने वाली थी। हालांकि कोरोना संकट के कारण देश भर में लागू हुए लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने इस इवेंट को कैंसिल कर दिया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम इंडिया ने मास्क फोर्स का ऐलान किया। इस वीडियो में कप्तान विराट कोहली, BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह और दूसरे खिलाड़ी दिखाई दिए। इन सभी खिलाड़ियों ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कहा है कि 2 बार के विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी अब तक के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं। पीटरसन ने कहा कि धोनी की महानता पर सवाल उठाना असंभव है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अपेक्षाओं के इतने भारी बोझ के बीच उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उस पर सवाल उठाना काफी कठिन है। इंडियन प्रीमियर लीग के टलने और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद मैदान पर वापसी करना आसान नहीं होता, क्योंकि खेल की प्रैक्टिस करना और मैच खेलना 2 अलग अलग बातें हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी और टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर के बीच टकराव की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अफरीदी ने 2019 में प्रकाशित आत्मकथा गेम चेंजर में गौतम गंभीर को लेकर काफी विवादित टिप्पणी की है, जिसके जवाब में गंभीर ने अफरीदी को जोरदार जवाब देते हुए 2007 विश्व कप के फाइनल की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठे गद्दारों और अवसरवादियों के खिलाफ मुझ में एटीट्यूड है। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस के कारण खेल जगत की हालत खराब है। जुलाई अगस्त तक के सभी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट टाले या फिर रद्द किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब है, जबकि इस बार T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में ही 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होना है। साइमन कैटिज ने IPL के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रस्ताव रखा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया। इसमें वो अपनी बेटी के साथ कैटरीना कैफ के गाने शीला की जवानी में डांस करते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने शनिवार को अपनी बेटी के साथ कैटरीना कैफ के हिट डांस नंबर शीला की जवानी में डांस करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का मानना है, किसी भी हालत में क्रिकेट खतरनाक है और ये हमारी जिंदगी से बड़ा नहीं है। BCCI के IPL रद्द के ऐलान के बाद हरभजन सिंह ने कहा कि हमारी जिंदगी से बढ़कर क्रिकेट नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा था कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए फंड जुटाने के लिए भारत और पाकिस्तान को एक सीरीज खेलनी चाहिए। हरभजन ने कहा कि इस समय क्रिकेट सबसे आखिरी चीज है। देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।